पोस्ट वुमेन एसोसिएशन के बैनर तले सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर मोस्ट वुमेन एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में महिलाएं धरना प्रदर्शन करने सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर पहुंची। इन लोगों के आंदोलन की मांग है कि सरकारी संस्थानों का हो रहा निजीकरण असंवैधानिक है, निजीकरण प्रक्रिया बंद की जाए तथा निजी किए गए संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, दूसरी राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन कर किसानों की मासिक आय कम से कम चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी के बराबर निर्धारित किया जाए, तीसरी मांग ओबीसी की जातिवार जनगणना कराई जाए तथा सभी जाति वर्गों को आबादी के अनुपात में सभी क्षेत्रों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका व सरकारी संस्थानों में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए तथा क्रीमी लेयर तत्काल खत्म कर ओबीसी की 60% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। चौथी मांग है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 63 व 64 के अधीन आवासी एवं धारा 126 के अधीन कृषि हेतु कम से कम 5-5 बीघे जमीन भूमिहीनों एवं कृषि मजदूरों अपेक्षित वर्गों को देना सुनिश्चित किया जाए। पांचवी मांग है कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति में ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। छठवी मांग है कि भारत में एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति के तहत समान एवं मुक्त शिक्षा नीति लागू की जाए। सातवीं कोल आदिवासी मुसहर बेनवंश धरकार गौड़ आदि जातियों को उत्तर प्रदेश में भी जनजाति एसटी का दर्जा देकर जनजाति सुविधाएं देना सुनिश्चित करें। आठवीं मांग है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। नौवीं देश में सांसदों और विधायकों व अन्य जन प्रतिनिधियों की पेंशन व अन्य सुविधाएं तत्काल बंद की जाए। दसवीं मांग है बालू पत्थर खनन एवं मत्स्य पालन का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी से करते चले आ रहे लोगों को अनुज्ञा पत्र जारी कर इन्हें अनुदान के रूप में प्रति माह 5,000 महीना मेहनताना दिया जाए। मांगे नहीं माने जाने पर करेंगे धरना प्रदर्शन, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रयागराज प्रशासन और प्रदेश की योगी सरकार की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दर्शक न्यूज 24। आप लोगों द्वारा जो ये ज्ञापन दिया गया है, ये उचित माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी लोकल स्तर की शिकायतें हैं उनको संबंधित थाना तहसील स्तर पर भिजवाकर इसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। ये देखिए बड़ी मौलिक मांगे हैं जो आपका सम्यक संवैधानिक क्रांति मोर्चा बना है और दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं उनके बैनर तले आयोजन किया गया है, जिसमें 10 प्रमुख मांगे हैं जो सरकार से संबंधित हैं। जैसे इनका कहना है कि भाई जो निजीकरण हो रहा है वो बंद होना चाहिए, निजीकरण में जो हक अधिकार गरीबों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वहाँ उनका शोषण होता है, गरीब को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, जाति के आधार पर जनगणना करानी चाहिए। आज ओबीसी का हक अधिकार मारा जा रहा है, न्यायालय में कोई बात न्यायालय मांगता सरकार से अधिकृत आंकड़े दीजिए, अधिकृत आंकड़े सरकार दे नहीं पाती, इस वजह से आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पा रहा है। तो ये मांग है कि भाई जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए ताकि सही तथ्य आंकड़े तो सामने आ जाएँ, जो न्यायालय में जहाँ जरूरत हो प्रस्तुत किया जा सके, पिछड़ों को हक अधिकार मिले, अच्छी शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। भाई अगर माने आरक्षण करते हो अमीर गरीब की शिक्षा कर दीजिए, फिर आरक्षण की ज़रूरतें नहीं है, और जब तक है तो अमीर गरीब की शिक्षा में अगर भेदभाव रहेगा तो आरक्षण की निश्चित रूप से मांग होगी। जमीन बहुत पहले जो जमीन दी गई थी परिवार अधिकारी को भी आप लोगों ने दिया है। हाँ,
साक्षात्कार दिया। उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने ही कहा कि जो उनके स्तर की बातें हैं, जैसे कहीं मान लीजिए मजदूरी नहीं मिलती है, कहीं प्लाट मिलना चाहिए उस परिवार को नहीं मिल रहा है, तो जो उनके स्तर की है उनको गंभीरता से समय सीमा के अंदर उनका निराकरण करें ताकि गरीबों को उसका लाभ मिले, उसके लिए आंदोलन गरीबों को नहीं करना पड़े। और जो शासन स्तर की है उन समस्याओं को राष्ट्रपति महोदय के पास ज्ञापन भेजें, जिससे वहाँ पर बढ़कर वही बता रहे हैं कि माने राजमणि पटेल, राज्यसभा सदस्य, मध्य प्रदेश से हूँ, पूर्व मंत्री हूँ, कार्यकारी महिलाएं जो हैं आई हैं जी, तो महिलाओं को लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तपती धूप में। हाँ, महिलाएं इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश का गरीब है। बिना गरीब के कोई विजय हासिल नहीं हो सकती है। गरीब ही जब अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए आगे आता है तभी विजय मिलती है। आज़ादी की लड़ाई में कोई पैसे वाले लोग नहीं थे, राजा महाराजा नहीं थे। अगर कांग्रेस साथ आंदोलन में कोई रहा है तो इस देश का गरीब रहा, इस देश का वनवासी रहा है, तभी जाकर के सफलता मिली है। इसलिए इस देश की हमारे सबसे बड़ी ताकत हमारे देश का गरीब है, मेहनत करने वाले लोग हैं। अगर उनका स्वाभिमान और सम्मान टूटेगा तो निश्चित रूप से देश टूट जाएगा, इसलिए उनके स्वाभिमान और सम्मान को मजबूत करना जरूरी है। अच्छा, ये भी कह रहे हैं अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मांगे नहीं मानी जाएंगी तो प्रजातांत्रिक तरीके से जो संविधान ने हमें अधिकार दिया, बाबा साहब ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर आंदोलन करेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे।